हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, के आज इस सेशन में हम लोग 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए घटना चक्र का जो नया बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं घटना चक्र 2023-24 बीपीएससी 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज इसमें दिया गया है। आज के सेशन में हम लोग बिहार के इतिहास से यानी कि बिहार हिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको साइंस वाला जो पोर्शन है जिसमें कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है, साथ ही साथ आधुनिक भारत का इतिहास का हमने पार्ट वन कवर किया हुआ है। पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग दो पार्ट में समाप्त करने वाले हैं, तो एक पार्ट हमने कवर करा दिया है, दूसरा पार्ट भी शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, सभी का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 69वीं बीपीएससी 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार के इतिहास यानी कि बिहार हिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। देखिए, यह प्रश्न जो है 63rd बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है हमारा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे ये ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक प्रवर्तक जो है ये वर्धमान महावीर को माना जाता है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान जो है यानी कि इनको निर्वाण जो है पावापुरी में प्राप्त हुई थी। यह कहाँ पर स्थित है? पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जो है यह जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पावापुरी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इससे पहले मैंने आपको साइंस वाला पूरा पोर्शन कवर करा दिया है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को, साथ ही साथ आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट वन हमने कवर कर लिया है। पार्ट टू जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। दो पार्ट में हम लोग जितने भी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसको मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पर दफन है? देखिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कश्मीर घाटी का अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसको मुगल बादशाह अकबर के द्वारा निर्वासित कर दिया गया था, इसकी मृत्यु निर्वासन के दौरान 1592 ईस्वी में हो गई थी और इसको नालंदा में दफनाया गया है। नालंदा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है, बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा, सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि बिहार में सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम इन सब से संबंधित व्यापारों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था, बताइए। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका प्रकाशित किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुंकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63rd बीपीएससी प्री 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा मतलब देश की बात, ठीक है। यह महान क्रांतिकारी, चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो और इसका प्रकाशन 1904 में किया गया था और यह बांग्ला भाषा में लिखी गई है, बांग्ला भाषा की यह पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे?
राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सर्च लाइट सप्ताह में दो बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद, नाम याद रखेंगे, मुरली मनोहर प्रसाद, ठीक है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। ऑप्शन में देखिए मुरली मनोहर प्रसाद नहीं दिया गया है, ऑप्शन में मुरली मोहन प्रसाद दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, श्री दीप नारायण सिंह जी के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में संपन्न हुआ था। ठीक है, श्री दीप नारायण सिंह राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, 1908 में पहला अधिवेशन जो है ये पटना में हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो यह अधिवेशन असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, कब? तो ध्यान रखेंगे 1921 में। अच्छा, प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे हजारीबाग में 1921 में। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साइंस वाला सेक्शन जिसमें हमने बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर किया हुआ है ज़रूर देख लीजिएगा। आधुनिक भारत के इतिहास तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, तो आधुनिक भारत वाला पोर्शन ज़रूर कवर कर लीजिएगा आप। चलिए, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ये किसने किया था? तो यह किया था किसने? राइट आंसर इसका हो जाएगा सचिंद्र सन्याल ने। ठीक है, इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ठीक है, चलिए, सचिंद्र सन्याल हो जाएगा। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है यह 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने सोनपुर मेले के दौरान किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन हैं? देखिए, ये प्रश्न जो है 68th बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, ये भी 68th बीपीएससी प्री 2023 में जो 12 फरवरी के दिन पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यह है पादरी की हवेली। पादरी की हवेली, जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, यह बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पादरी की हवेली। उसके बाद देखिए, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये किया था कैमूर का। ठीक है, कैमूर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो फ्रेंड्स, देखिए, ये किया था स्वामी विद्यानंद जी ने। ठीक है, और ख़ास करके इन्होंने उत्तर बिहार के कई जिलों में, जैसे कि दरभंगा के इलाकों में, इन्होंने रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत किया था। ठीक है, स्वामी विद्यानंद हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किया गया था, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ तब आया जब स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने 1928 को किसान सभा के औपचारिक गठन की स्थापना की, और वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे
कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में हुई थी और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने किया था और इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा इन सभी वामपंथी नेताओं ने सहयोग किया था। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे। तो इसमें से देखिए स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो। क्लियर है। चलिए और भी नेता थे, जैसे कि मैंने बता दिया आपको पहले ही, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, पंचानंद शर्मा, इन सबका नाम आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था, बिहार में किसानों को संगठित करने और इनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन जो है यह श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और देखिए बिहार में इसके पहले अध्यक्ष बनाया गया था श्री नारायण प्रसाद को, और अब्दुल बारी को इसका सचिव बनाया गया था। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। नेतृत्व में हुआ था श्री कृष्ण सिंह के, यानी कि इन्होंने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था, लेकिन अध्यक्ष बनाया गया था श्री नारायण प्रसाद को और सचिव अब्दुल बारी को बनाया गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो ये आपको भलीभांति पता है फ्रेंड्स कि बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स ये कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। कहाँ पर, तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांकीपुर पटना राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता जो है आर्यन माधोलकर ने किया था, यानी कि रघुनाथ नरसिंह माधोलकर ने, और इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और मौलाना मजहरुल हक इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद 1922 में दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में, जिसका अध्यक्षता चित्रंजन दास ने किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है यह 1931 में हुआ था। ठीक है, गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यान, अंबिका चरण मजूमदार इत्यादि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया था, और इसके अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा का नाम मैंने आपको बता ही दिया, योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह ये सब लोग थे। और 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र जी की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया फूलन प्रसाद वर्मा थे इसमें, और भी जो जैसे मैंने नाम लिया है जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यान, अंबिका सिन्हा। ठीक है, इन सबका नाम आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। फिर से ये प्रश्न आ गया 1931, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न जो है फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। 1931 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव को, देखिए 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे ये कौन थे, तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था, तो ऑप्शन में देखेंगे तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 67th बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लोकनायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार से रश्मि कुमारी एक, तो देखिए बिहार में जो रश्मि कुमारी हैं यह एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दरअसल ये करंट का प्रश्न था उस समय का, तो इसको बिहार से रिलेटेड में इंक्लूड कर दिया गया है। इनमें से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, अब ये देखिए 68वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो राइट आंसर सर जेम्स डेविड शिप्टन हो जाएगा, जो 1935 से लेकर के 1937 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे। फिर जब 1 अप्रैल 1936 को
बिहार और उड़ीसा अलग अलग हुए, तब भी ये बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे, सर जेम्स डेविड शिप्टन। ठीक है, इनके बाद जो है मॉरिस गार्नियर हैलट को राज्यपाल बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो फ्रेंड्स इनका जन्म भागलपुर में हुआ था। ठीक है, भागलपुर में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भागलपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, स्वर्ण पदक राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, बिहार से कौन कौन से लोग थे। तो आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, और पहली बैठक जब हुई थी तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि एक सच्चिदानंद सिन्हा हो गए जो बिहार से थे, राजेंद्र प्रसाद थे जो बाद में 11 दिसंबर के दिन जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। उसके बाद और भी लोग थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा का तो मैंने आपको नाम बता ही दिया, इसलिए एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सिंह ने 1872 में बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया था, गुरु प्रसाद सिंह ने। ठीक है, तो बाबा गुरु प्रसाद सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। ठीक है, मोहम्मद यूनिस राइट आंसर इसका हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, तो राजेंद्र प्रसाद ने माना है किसको, लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना किया था, इसीलिए इनको माना है राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो है कब किया गया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के बाद महात्मा गांधी जी की जो विशाल जनसभा को उन्होंने 1918 में संबोधित किया था, इसी गांधी मैदान में इन्होंने आयोजित किया था, और यह स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। महात्मा गांधी की मृत्यु जो है आपको पता है 30 जनवरी 1948 को हो गई थी, और उसके बाद में पटना लॉन का नाम बदल करके गांधी मैदान रखा गया था, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी, बिहार में जिलों की संख्या अभी वर्तमान में कितना है, तो 38 जिला है, उस समय जो है 55 जिला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने, किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स सासाराम में है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप यानी कि वर्ल्ड पीस स्तूप का निर्माण कराया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये राजगीर में, ठीक है, राजगीर राइट आंसर इसका हो जाएगा, राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में अभी की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय के अध्यक्ष कौन है, पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो फ्रेंड्स ये जस्टिस के विनोद चंद्रन। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, बिरसा मुंडा के गुरु जो थे ये आनंद पांडे थे। ठीक है, कौन थे, आनंद पांडे राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न याद रखिएगा। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है चिरांद चेचर। ठीक है, ये जो है नवपाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को जो है ये 1000 पैदल सैनिकों और कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुँचे थे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हजारीबाग में हुआ था 1921 में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, बिहार में उस समय 1904 में देवघर था, उस समय झारखंड और बिहार एक ही में थे, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रगति थी। चलिए, और भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुई थी, जहां सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इनका समर्थन किया था। राइट आंसर बिहार हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था, तो 1906-07 में बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। चलो उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, स्वतंत्रता के बाद, तो ये जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इनका नाम। बिहार का कौन सा शहर पाँच पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो पाँच पहाड़ी से जो घिरा हुआ है ये राजगीर है। कौन सा है, राजगीर है, ऑप्शन में राजगीर नहीं है, राजगीर पाँच पहाड़ी से घिरा हुआ है। इन पाँच पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी है। ठीक है, चलिए, अच्छा गया में कौन कौन सा हिल है, गया में ब्रह्मयोनी हिल है, रामशिला है, प्रेतशिला है, ठीक है, डुंगेश्वरी हिल है, ये ध्यान रखना आपको। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा किया था, तो 1855 ईस्वी में सिधु कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए थे और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की थी। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया और उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर राजमहल। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोहों के विस्फोट का सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ये प्रश्न 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है, सही क्रम इसका क्या होगा बताइए। राइट आंसर इसका जो है ये आपका हो जाएगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रोहिणी से स्टार्ट हुआ था, पटना में पीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने का उन्होंने न्योता भी दिया था इनको। गांधी जी आए भी 1917 में और तिनकटिया प्रथा को अंत करने के लिए चंपारण सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था। राजकुमार शुक्ल थे इसमें, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब लोग थे इनके साथ। तो यहाँ पर देखिएगा राजेंद्र प्रसाद दिया गया है और यहाँ पर राजकुमार शुक्ल भी दिया गया है। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी उस समय थे, तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन इसका सी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये फिरदौसी सिलसिले से संबंधित है। ठीक है, फिरदौसी सरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मनेर पटना में, और इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई। ठीक है, और ये फिरदौसिया सिलसिले के सूफी थे। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरदौसी। उसके बाद देखिए, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, अलीवर्दी खां को बताइए, तो फ्रेंड्स यह किया गया था 1733 में। बंगाल के नवाब सरफराज के समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को मार करके बिहार का बंगाल का नवाब बना था यह। ठीक है, अलीवर्दी खां। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1733 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था, तो ये महत्वपूर्ण जो रहा था यहाँ से आंसर आपको चुन करके बताना है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये रहा था आपका विद्या का केंद्र, तो था ही था, साथ ही साथ यह धार्मिक केंद्र के रूप में रहा था। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, यहाँ पर अनेक बौद्ध विहार थे। ठीक है, और विश्वविद्यालय विक्रमशिला, नालंदा, उदंतपुरी, ये सब तो शिक्षा के केंद्र ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांत के रूप में इनका निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। ठीक है, बिहार की स्थापना कब की गई थी, बिहार की स्थापना पूछा गया है, तो बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1912 में बंगाल से अलग हुआ था
और बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे, और फिर 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग अलग हुए थे। सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। आगे मिलेगा किस वर्ष बिहार उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, तो 1936, जैसे मैंने आपको बताया कि कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो फ्रेंड्स ये माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था कब, तो 1912 में, और एक राज्य बना था स्वतंत्र राज्य 1936 में। चले बिहार बंगाल से अलग हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन, 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। देखिए दो दो बार ये प्रश्न पूछा गया है। 1912 में बिहार दिवस का उद्देश्य है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में ये मनाया जाता है। चलिए 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार, देखिए राज्य के रूप में बिहार 1936 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 36 ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो फ्रेंड्स ये देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्रिटिश स्वतंत्र प्रांत का 1936 में किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार और बंगाल में भूमि पर किरायेदारी के अधिकार को बिहार किरायेदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था, बंगाल किरायेदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किरायेदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1885। उसके बाद देखिए बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई, ये प्रश्न देखिए 67th बीपीसी में पूछा गया था, तो ये 1913 में बुलाई गई थी, ठीक है, 1913 में इसकी प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य और 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यह 1920 से 1921 तक बिहार और उड़ीसा के गवर्नर थे, ठीक है, और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय थे। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी, तो ये बैट बेगारों पर लगाया था, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है हमारा कि छोटा नागपुर कास्तकारी कानून कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1908 में पारित हुआ था, ठीक है। छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकट्टी अधिकारियों को मान लिया था, ठीक है, और बेट बेगारी या कहिए बलात्श्रम का उन्मूलन कर दिया था। 1908 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति, अच्छा अनुसूचित जाति के लिए जो है 38 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट रिजर्व है, टोटल 243 सीट है बिहार विधानसभा में, 38 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था 2006 में, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत यह प्रदान किया गया था और यह 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ, ठीक है, बौद्ध मठ। 1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान करें, तो ये हुआ था कहाँ पर, दरभंगा और चंपारण हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरहवा के निवासी थे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुरली भरहवा दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी के साथ मुलाकात हुई थी और उन्होंने यहाँ के किसानों की दुर्दशा गांधी जी को बताया और उनको चंपारण आने का अनुरोध किया था, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लेकर के चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है, तो ये हैं पीर मोहम्मद मुनीस, ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस।
1813 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो 1813 में जो है यह बहावी आंदोलन का केंद्र था पटना। चलिए बहावी आंदोलन का केंद्र, ठीक है। बहावी आंदोलन मूलतः अरब में आरंभ हुआ था। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाब था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा था। और आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत की बात करें तो भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद, सैयद अहमद थे। और 1830 के दशक में सैयद अहमद ने पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भागलपुर में अगर हम बात करें तो भागलपुर में किया था किसने, भागलपुर में किसने किया था, तो ये किया था महादेव लाल सराफ ने, ठीक है। भागलपुर में इन्होंने किया था, भागलपुर में महादेव लाल सराफ के नेतृत्व में, ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह का भी नाम याद रखेंगे, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल और जहरुल हसन हाशमी ने किया था, ठीक है। चलिए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है, तो ये देव में है। याद रखिएगा सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह देव में है, औरंगाबाद ज़िले में। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस ज़िले से नाकाम कर दिया था, तो यह ज़िला जो था यह मुंगेर था, ठीक है। मुंगेर ज़िले में अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया गया था सफलतापूर्वक। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था, तो फ्रेंड्स ये कहता श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। ये भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलिए 1937 में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री जो थे यही बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यायन जी ने किया था। उसके बाद देखिए बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे दिया था, तो इन्होंने दे दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है। याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इन्होंने किया था बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी पहली बार बिहार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ये हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए, ठीक है। 11वीं लोकसभा के लिए 1996 में पहली बार ये वैशाली से चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है मिलान करना है, और ये प्रश्न देख लीजिएगा कि 67th BPSC री एग्ज़ाम में पूछा गया, ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है। हालांकि अब इस तरह के प्रश्न जो है करंट के हैं। बिहार के राज्यपाल अब नए बन गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्य न्यायाधीश दूसरे कोई है जैसे कि बताया था जस्टिस के विनोद चंद्रन, तो ये अभी रहने दीजिए, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो ये सब करंट से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ देखिए किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बनाने एवं बिक्री खरीद बिक्री पर जो है पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये बिहार से रिलेटेड जो करंट है ना ये इस बार इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी चलिए एक नज़र देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है, तो फ्रेंड्स ये किसने किया है, तो ये किया अपना बिहार ने, ठीक है। चलिए बिहार राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो चूंकि ये पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, पटना में, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है, तो फ्रेंड्स ये किया है मेज़बानी बिहार राज्य ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, अब इसका क्या मतलब है बिहार से, तो फ्रेंड्स ये टोक्यो में हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना है, तो ये बने हैं सुंदर सिंह गुज्जर, ठीक है। चलिए ये बिहार से रिलेटेड
हिस्ट्री से तो रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो लिखा है, ये लिखा है सागरिका घोष ने, ठीक है, सागरिका घोष ने, और सागरिका घोष के द्वारा ही अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट, किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, इसको लिखा है सुनीता नारायण ने। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन, यहाँ पर क्या है, एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ, ये विषय क्या है, किसका है? तो ये विषय जो है फ्रेंड्स, यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का थीम है। ये करंट का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो इतना ही प्रश्न है इसमें बिहार इतिहास से संबंधित, तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको कवर करा दिया। बिहार का भूगोल भी जल्द